तब हमें देखने मिला जो आप दोनों वाकई में असलियत में आप लोग के लिए तब साबित हो रहा था कहीं ना कहीं, तो क्या बताएंगे बेसिकली हमें जीना होना है। हम पिछले 4 घंटों से बस और बड़ा मज़ा आ रहा है। और फिर जब मैं जब ये गीली होकर आई तो मैंने गाया समंदर कुछ नहीं किया, जो पतली कमर है जो मैंने उसके मजे उठाया, तो हाँ बड़ा मजा आया। ये तप नहीं था, ये अलग टाइप का तप था। अच्छा हम देखते हैं कि दोनों माए वेद को बचाने के लिए हाँ जो लटका हुआ था अभी वेद को बचाने के लिए जी जान लगा रही है, अपना 100% दे रही है, तो इस इंटरेस्टिंग तप के बारे में बताया तो उन्हें सीरियस नोट वाला पुजारी जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो वेल है कुआ है उसमें से पानी खड़क जो मटका है उसमें छेद वाला उसमें ये हम दोनों ने मिलकर एक शिवलिंग बनाया तो वो वहाँ पे जाके पानी हमें बेसिकली शिवलिंग पर हमें वो पानी चढ़ाना है और जो एक बार हमें करना है तो जस्ट बिकॉज अभी भूमि जो लास्ट वाला टास्क था जो तपस्या थी पूरी नहीं कर पाई, उसने पेन की वजह से गिव अप कर दिया, तो वो थोड़ा एम्बैरेसमेंट में है और उसे कैसे भी करके ये वाला जो तप है उसे जीतना है, तो अभी फिलहाल वो कॉम्पिटिशन में है कि मुझे 101 बार पहले करना ख़त्म करना है। बट उस बीच में वेदिका जी के साथ कुछ होता है तो आप निशा ने कुछ जैसा वो हमेशा कुछ करती थी वैसे कर दिया, मुझे एक इल्यूशन होने लगता है कि मेरा बेटा भी उधर लटका हुआ है 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर, तो मैं मटका छोड़ लेती हूँ, मैं एकदम चली जाती हूँ उसको बचाने के लिए और बोलने के लिए, और मुझे 1 सेकंड में दिखता है कि भगवान नहीं है। तो दिस इज़ द इल्यूशन दैट बेसिकली निशा हैज़ क्रिएटेड। निशा का तो यही है कि वो भूमि और वेदिका में दरार जितनी हो सके उतनी दरार, हाँ, और वो अगर मैं वापस इसमें जीत जाती तो 1-to-1 नहीं हो पाता, तो अब भूमि को जीतना ही था इसमें। अच्छा इसमें दोनों माए भी आमने सामने और दोनों बहनें भी आमने सामने हैं, तो कितना मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। बेटा तो वो मेरा है, मैंने पैदा किया, पाला तो मैंने है ना, तू नहीं तो कोई और पाल लेता, कोई नहीं स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।